नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेलकॉन प्लस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डेलकॉन प्लस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डेलकॉन प्लस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डेलकॉन प्लस टैबलेट का उपयोग सर्दी, जुकाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुकाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना, नाक का बंद होना, गले में खराश होना और खांसी होना आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए डेलकॉन प्लस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सर्दी, जुखाम होने पर सिरदर्द और बुखार भी हो सकता है। डेलकॉन प्लस टैबलेट बुखार और सिरदर्द को भी ठीक करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डेलकॉन प्लस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डेलकॉन प्लस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, मुंह में सूखापन होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, हल्का हल्का सिर घूमने का आभास होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स डेलकॉन प्लस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। ज्यादा डोज में डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेने की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको डेलकॉन प्लस टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेलकॉन प्लस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डेलकॉन प्लस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डेलकॉन प्लस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। डेलकॉन प्लस टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डेलकॉन प्लस टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को डेलकॉन प्लस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डेलकॉन प्लस टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। जुखाम, खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको डेलकॉन प्लस टैबलेट के साथ साथ हर रोज दिन में 2 से लेकर 3 बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर, पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डेलकॉन प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डेलकॉन प्लस टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डेलकॉन प्लस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डेलकॉन प्लस टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। वैसे डेलकॉन प्लस टैबलेट माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डेलकॉन प्लस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डेलकॉन प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेलकॉन प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।